पूरा गांव टकटकी लगाए देख रहा था। बच्चे खुशी से फूले नहीं समा रहे थे और गांव के बुजुर्ग व महिलाएं अपने सरपंच को दूल्हा बनकर हेलीकॉप्टर में उड़ते हुए देखने के लिए बेताब थे। ये नजारा गोहाना के आंवली गांव में उस वक्त दिखा जब रिठाल गांव के नए नवेले सरपंच मोहित ने अपनी होने वाली पत्नी और दोस्तों से किया हुआ वादा निभाया और हेलीकॉप्टर से बारातियों को लेने के लिए आंवली गाँव पहुँच गया। जी हाँ, दरअसल रिठाल गांव के मोहित ने अपने दोस्तों और होने वाली पत्नी से वादा किया था कि अगर वो पंचायत चुनाव जीतकर सरपंच बन गया तो हेलीकॉप्टर में बारातियों को लेकर आएगा, और हुआ भी ऐसा ही। मोहित ने चुनाव जीता और सरपंच बनने के बाद आज वो दिन भी आ गया जब मोहित ने अपना वादा निभाते हुए आंवली गाँव के दोस्तों और ग्रामीणों को बाराती बनाकर उड़न खटोले से आसमान की सैर करा दी। देखना चाहूंगे, बहुत बढ़िया मौका मिल गया हमारे सरपंच ने। कभी बैठे हो पहले? नहीं, बैठाओगा यो यो बैठाओगे तो हमने बैठाओगा। तो गांव में पहली बार आया लेकिन? हाँ, पहली बार आया भाई, हमारी याद मत है। दूसरा कदा गया आया होगा कदे भाई, उस काम पर काज का पहली बार जा रही है ना? बरात पहली बार जा रही है भाई, बताओ मत है। पहली बार बरात जा रही है? पहली बार जा रही है। ये भाई रठाड़ के सरपंच की शादी है, हमने बहुत खुशी हुई है, और आवड़ी के सरपंच ने बरात ले जाए हेलीकॉप्टर में, तो सारे गांव के लोग आई देखने आ रही है भाई, बहुत खुशी हो रही है हमने। तो कभी मौका मिला आपको बैठने का? पहली बार मिल गया है भाई, देखने का भी पहली बार मिल गया है। ये कहना चाहूँ कि ये हमारे बेटे मतलब रठाड़ के हमारे बेटे सरपंच, उसकी शादी हो रही है, उसकी शादी में से जुकर भाई ये आवड़ी के सरपंच मेरे बेटे ये मतलब ये शादी में जा रहे हैं, बरात में, बरात में जा रहे हैं। कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। पहले कभी देखा था हेलीकॉप्टर? ये पहला बार बरात के लिए नहीं देखा था, पहले गांव में आया था बरात के लिए, तो ही बाहर है, बस पहली बार जो बरात जा रही है। हाँ, यहाँ से पहली बार। गांव की महिलाएं खुशी से फूली नहीं समा रही, बच्चे हेलीकॉप्टर देखकर ही खुशी से झूम रहे थे और बुजुर्गों व नौजवानों में भी हर्ष का माहौल था, क्योंकि रिठाल गांव का सरपंच आंवली गांव के बारातियों को लेने हेलीकॉप्टर में जो आया था। ये हमारे रिठाल से साथी सरपंच है, उन्होंने इलेक्शन से पहले ही बोलिया था अगर अपनी घरवाली को अगर मैं जीत जाएगी तो मैं हेलीकॉप्टर में लाऊंगा ब्याह के। तो एक दिन मेरा भी उससे मिलना हो गया, मैं भी कोई प्रोग्राम में जा रहा था, उसने मेरा नोता दे दिया। तो बाबा तू भी हेलीकॉप्टर में जाएगा, हम भी हेलीकॉप्टर में जाएंगे बरात में, तो हम भी अपना शौक सा पूरा कर लेंगे। और मेरे साथी हैं सुनील है, ये हमारे कितने लोग जाएंगे? हम पांच लोग जाएंगे। तो कितना अच्छा लग रहा है, गांव वाले भी आ रहे हैं? देखो अच्छा तो लग रहा है कि तो नया काम हुआ है। देखो ब्याह तो सब जहाँ है अपने लिए थे, लेकिन हम देख साथी के लिए बरात में जाना एक बड़ी बात है ना, अपने लिए तो सब करे हैं, लेकिन हम देख भाई है उसकी शादी की मतलब एक और मड़ी ही धूमधाम से मन और उसकी मड़ी ही वाह हो जाए, उसके लिए जा रहे हैं। कितने हेलीकॉप्टर आ रहे हैं? वो एक तो ध्यामण से उड़ा है, एक रिठाड़ से, की हमारे आवली से। रिठाड़ वाला जा चुका है? रिठाड़ वाला जा चुका है, ध्यामण वाला भी मेरे ख्याल में जा लिया है, मेरी बात हुई थी, और ये भाई हमारा आने वाला है। तो गांव वाले भी पहुंच रहे देखने के लिए? हाँ, गांव वाले ये मेरे कक्का ताऊ दादा भाई सब आ रहे हैं। आगे मौका मिला था मैं सारे ने ये हेलीकॉप्टर बुला के पत पत दस मिनट सारे ने घुमाऊंगा। आगे वो शादी का प्रोग्राम लगा ना, गांव वाले की कब होगी? ये होगी कि मेरे काका का लड़का आएगी शादी में बुलाऊंगा। अभी बरात कौन सी जगह जा रही है? ईव जाएगी पत्तरेड़ी। कहां पड़ता है ये? पड़ता है पटौदी के पास। बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे प्रधान ने हमारे बताया ना, एक बार वहां पे प्रोग्राम था बच्चा जन्मदिन था रिठाल, वहां हमारी मुलाकात होना, मेरी शादी है 16 फरवरी की, और वहां हेलीकॉप्टर से जाएंगे। हाँ बोले बात तू जाएगा तो हम भी जाएंगे, एक परंपरा बनाएगी गाँव के लिए, और सभी गांव बहुत खुश हो रहे चीज के लिए। और जैसे साहब हम सोच रहे हम कुछ फूल भी ले आए थे पूरे गांव घर राउंड करके हेलीकॉप्टर से, और फूल भी जैसे नीचे बरसाएंगे। कैसा लग रहा गांव वालों को? बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे पक्का ताऊ माँ दादी सब कुछ आए हुए यहाँ पे। होना भी चाहिए जी, होना भी चाहिए, तो जरूरी है। आंवली गांव से पांच बारातियों को लेकर रिठाल गांव का सरपंच मोहित खुद हेलीकॉप्टर से आया था। गांव के कई लोगों ने हेलीकॉप्टर कभी नजदीक से देखा तक नहीं था, और जब हेलीकॉप्टर उनके गांव के मैदान में उतरा तो हर कोई देखता ही रह गया। वहीं गांव के सरपंच समेत पांचों बारातियों के तो कहने ही क्या थे, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि वो भी हेलीकॉप्टर में बाराती बनकर कभी बैठेंगे। बहरहाल मोहित ने सरपंच बनकर अपना वादा निभा दिया है, और मोहित के इस कदम से न केवल उसकी दोस्ती और गहरी हुई है, बल्कि इस कदम से रिठाल गांव और आंवली गांव के बीच भी एक मधुर संबंध जरूर स्थापित होगा। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।